आज की रेसिपी है टमाटर की दाल और ये दाल बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है क्योंकि हम इसे तुअर की दाल और टमाटर मिला के पकाने वाले हैं। इसे आप प्लेन राइस, जीरा राइस या फिर रोटी के साथ भी परोस कर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं कि टमाटर की दाल को कैसे पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप तुअर की दाल ली है, इसे अरहर की दाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल के इसे हम 4 से 5 बार करके पानी से अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने तुअर की दाल को अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। दाल को गलाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप पानी। तो 1 कप मैंने पानी डाल दिया और ये 1/2 कप। साथ ही साथ हम इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डालना है और 1 छोटा चम्मच नमक। इन सारी चीजों को हम चम्मच की मदद से एक साथ मिला देंगे। आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये समय पे आप चाहे तो 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल के ये दाल को पका सकते हैं। कुकर की हम लीड लगा देंगे। तो चलिए कुकर को हम गैस के ऊपर रख देते हैं। गैस ऑन करने के बाद इसकी फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है और 3 सीटी आने तक हमें दाल को पकने देना है। तुअर की दाल को मैंने 3 सीटी आने तक पका लिया है। कुकर के अंदर का सारा प्रेशर निकलने के बाद इसे हम खोल के देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से गल गई है। इसके अंदर हम पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप पानी डाला, इसे हमें मिला के देखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो फिर से हम इसके अंदर पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 कप पानी डाला, फिर से मिला के देखेंगे। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि दाल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए मैं इसके अंदर फिर से 1/2 कप पानी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को पतला करने के लिए 1.5 कप पानी डाला है। पानी को आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप दाल को गाढ़ा या फिर पतला खाना पसंद करते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए 2 सूखी लाल मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, 10 से 12 करी पत्ते, 2 इंच किसा हुआ अदरक, 10-12 छिले हुए लहसुन के कलियाँ और इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच घी और 3 पिंच मैंने यहाँ पे हींग लिया है। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन करके पैन को गर्म कर लेना है। तेल डाल देंगे, साथ ही साथ हम इसके अंदर डालना है घी। आप चाहे तो खाली तेल में भी दाल को पका सकते हैं, पर घी डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है दाल का। तेल और घी गर्म होने के बाद मैंने राई डाल दी है, जीरा डाल देंगे, दरदरा पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और साथ ही साथ हमें इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल देना है, किसा हुआ अदरक, करी पत्ते। सूखी लाल मिर्च को हमें इस तरह से 2 भागों में तोड़ के डालना है। हींग डाल देंगे। चम्मच लगातार चलाते हुए इसे हमें हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापना चला जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ प्याज और इसे भी हमें चम्मच लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। प्याज को कुछ इस तरह से भुनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कटे हुए टमाटर डाल देंगे। जब आप इसके अंदर टमाटर डालते हैं तो साथ ही साथ आपको थोड़ा सा नमक डालना है। यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर है जल्दी से पक के नरम हो जाए। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि नमक हमने दाल पकाते समय भी डाला था, तो आपको उसके हिसाब से नमक डालना है। आप आपके स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद इसके ऊपर हम लीड लगा देंगे ताकि जो टमाटर है जल्दी से नरम हो जाए। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और बीच बीच में आपको इसे चलाते जाना है ताकि जो टमाटर है नीचे ना चिपके, ना जले। तो ये देखिए, अभी भी थोड़े से कच्चे हैं, फिर से हम इसके ऊपर लीड लगा देंगे।
तो टमाटर को भी आपको नरम होने तक पका लेना है ताकि इसके अंदर कच्चापना नहीं रहना चाहिए। तो बस टमाटर को भी मैंने मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक भून के पका लिया है। जब टमाटर का मसाला कुछ इस तरह से दिखने लगे उसके बाद ही आपको इसके अंदर उबली हुई तुअर की दाल डालना है। तो ये देखिए, ये सारी दाल हम पैन के अंदर डाल देंगे जो हमने पहले पका के रखी थी। जैसे ही आप कढ़ाई के अंदर उबली हुई दाल डालते हैं वही समय पे आपको इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, मिला देंगे। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होंगी कि दाल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं फेटा, थोड़ा साबित ही रखा है। ये देखिए, ऐसा दाल रखने से खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बस इसके ऊपर हमें अभी लीड लगा देना है और 3-4 मिनट तक बॉईल कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए, यहाँ पे अपनी दाल पक के बिल्कुल तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बार मिला देते हैं। कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी ये गर्मा गर्म टमाटर की दाल खाने का तरीका। यहाँ पे मैंने प्लेन उबला हुआ चावल लिया है, इसके ऊपर हम ये दाल डाल देंगे। तो आप यहाँ पे देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बढ़िया दाल बनी है। आप चाहे तो ये दाल को रोटी के साथ भी परोसकर खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ भी परोसकर खा सकते हैं। एक गर्मा गर्म उबले हुए चावल के ऊपर हम थोड़ी सी और टमाटर की दाल डाल देते हैं। अगर आप ये दाल चावल के ऊपर थोड़ा सा घी डालते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। इससे पहले मैंने राजस्थान की प्रसिद्ध पंचमेल दाल, जिसे पंचरत्न दाल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की दाल को सर्विंग बकेट के अंदर निकाल लिया है। अगर आप मेरी ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी आप देख सकें। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया रख के इसे गार्निश कर लिया है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो ये रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते। थैंक यू।